आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, नीट धांधली केस में न्याय की गुहार। डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए हजारों लाखों बच्चों ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन उनका भरोसा काफी हद तक टूट सा गया है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे लग रहा है कि नकल माफिया ने नीट जैसी परीक्षा की विश्वसनीयता पर दाग लगा दिया है। नीट धांधली केस में न्याय के गुहार लगाते हुए विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट धांधली की लड़ाई में अब सीबीआई की जांच भी तेज हो गई है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में 70 एमजीडी पानी की कमी, मचा हड़कंप। दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है। पूर्वी दिल्ली से लेकर दक्षिणी दिल्ली तक पानी का संकट लगातार बढ़ रहा है। इस बीच प्यासी दिल्ली के लिए एक और समस्या सामने आ गई है। दरअसल दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि राजधानी में 70 एमजीडी पानी की कमी है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। कहें या आपदा कहें, इसको ये पार्किंग में ये पाँच पाँच चार चार फीट पानी भरा हुआ है। सैकड़ों टैंकर पानी यहाँ से निरंतर रोज उठा करके ले जाया जा रहा है और सैकड़ों टैंकर पानी सीवर के माध्यम से बहाया जा रहा है। इस पानी का उपयोग नहीं कर पा रही है दिल्ली की सरकार। गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में भीषण आग, धो धो कर जली बिल्डिंग। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग की लपटें बहुत तेज थी। फैक्ट्री की बिल्डिंग धो धो कर जल रही थी। फैक्ट्री में आग की वजह से आसमान में धुआं छा गया। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग की घटना नोएडा और लखनऊ में भी हुई, उसके वीडियो भी सामने आए हैं। उपाध्यक्ष पद नहीं मिला तो लोकसभा स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में विपक्ष। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कहा कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा। 9 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और नए संसद सदस्य शपथ लेंगे। डीएमआरसी ने 16 और 17 जून को मेट्रो के परिचालन में किया बदलाव। येलो लाइन पर जाने वाले यात्री रखें खास ध्यान। डीएमआरसी ने 16 और 17 जून को मेट्रो सेवा के परिचालन में बदलाव किया है। डीएमआरसी ने ये फैसला येलो लाइन पर हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के ऊपर से होते हुए फेज 4 के जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम कॉरिडोर के लिए जनकपुर पश्चिम के एलिवेटेड खंड के चल रहे निर्माण कार्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। हेलो फ्रॉम मेलोडी टीम, मेलोनी ने मोदी के साथ शेयर किया वीडियो। G7 समिट में मोदी डिप्लोमेसी की चमक धमक रही। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक वीडियो शेयर कर भारत इटली की दोस्ती का परचम लहराया तो पीएम मोदी ने भी उन्हें जवाब देते हुए कहा, भारत इटली की दोस्ती आबाद रहे। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम, हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम, हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम, हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। दिल्ली जल संकट पर कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी। दिल्ली में जल संकट का समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
कांग्रेस कार्यकर्ता अपने सिर पर खाली मटकी लिए नजर आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीतीश कुमार इलाज के लिए पटना के मेदांता अस्पताल पहुंचे, हाथ में दर्द की थी शिकायत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार शनिवार को सुबह तकरीबन 8:30 बजे पटना स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचे। जानकारी के अनुसार उनके हाथ में दर्द था, जिसका इलाज अस्पताल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में किया गया। चेकअप के बाद लगभग 10:30 बजे वह वापस लौट आए। नीट पेपर लीक के लिए कितनी दी गई रिश्वत, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। गुजरात में गोधरा के एक स्कूल में नीट परीक्षा में धांधली का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि छात्रों को अच्छे नंबर दिलाने के लिए डील हुई थी। छापेमारी में पुलिस को परशुराम के घर से 2,30,00,000 रुपए के चेक और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले। पुलिस ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी की है। जब घर चेक किया गया था तो वहाँ से काफ़ी मटेरियल मिला था, उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस थे उसको FSL में हमने भेजा हुआ है। साथ में चेक्स भी काफ़ी 8 ब्लैंक चेक्स मिले थे और दूसरे जो भरे हुए टोटल 2.30 करोड़ के 2,30,00,000 के भरे हुए चेक भी वहाँ से मिले हुए थे। ये जितने भी चेक्स मिले हैं वो जो एक पहले लिस्ट मिला हुआ था उसमें कुछ बच्चों के नंबर से उनके और दूसरे भी जो भी मिले हैं, ये चेक ये बच्चों के भी उसमें से चेक्स है, उनके पेरेंट्स के भी चेक्स है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो बच्चे ये जो चीटिंग के लिए इन्होंने तैयार किए थे उनके चेक्स इसमें है, तो ये उनके लिए थे, ये हम बिल्कुल मान सकते हैं। कुदरत का निजाम पाकिस्तान के बाहर होने पर फैंस ने लिए मजे, मीम्स की हुई बारिश। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तान के बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश हो रही है। यूजर्स ने पाकिस्तान टीम का खूब मजाक बनाया और जमकर मीम्स शेयर किए गए। मौसम को लेकर सावधान, अभी और सताएगी लू। दिल्ली यूपी समेत 9 राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और गंगा के तटवर्ती पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड सहित कई उत्तरी और मध्य भारतीय राज्यों में 14 से 18 जून तक लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।